हेलो नमस्ते गाइज, मैं निरोला वर्मा। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने परिवार के संग। तो सावन का महीना चढ़ गया और घर सर सफाई ना हो ये हो नहीं सकता। तो सावन का महीना आ गया है तो मैं अपना घर पूरा साफ सफाई करूँगी, पूरा जितना है सारा धुल लूँगी। और घर का जैसे शरीर को साफ सुथरा रखना चाहिए, उसे घर को भी साफ सुथरा रखना चाहिए हमेशा। तो मैं पूरा ऊपर का भी पूरा उतार कर धोली हूँ, उसको पानी से पोछी हूँ अच्छी तरीके से। और यहाँ पे बक्सा का भी कवर लगा रही हूँ दूसरा। तो इसी तरफ मेरा आज सारा काम हुआ है। तो मैं सारा बक्सा उक्सा पे सारा जितना घर है पूरा थोड़ा सा जला वला लगाया, पूरा साफ कर रहे हैं और बाहर का भी कर रहे हैं। यहाँ पे मेरा बाबू बंद कर रहा है, खोल रहा है। और हम सुबह में बेडशीट बिछा दिए थे और इस समय सिर्फ इसको झाड़ रहे हैं। और यहाँ पे पूरा घर और जितना है सर सफाई किए हैं। तो पूरा झाड़ू उड़ू लगा कर घर में बाहर भी सब। और आज इसको धो लूँगी, पहले हम सरफ से धोते हैं उसके बाद साफ पानी से। तो पूरा ऐसे मेरा घर का आज क्लीनिक होगा और साथ साथ मेरे बाबू बहनी भी मेरा हाथ बटाएंगे। और यहाँ पे मंदिर का जितना चुनरी उनरी है सारा धुले हैं। यहाँ पे मतलब जितना है घर का सारा क्लीनिक आज हो गया। और कल से पूजा पाठ सारा करना है। यहाँ पे मंदिर उंदिर भी है, साफ सुथरा कर दिया। अब यहाँ पे घर की बात है तो घर भी धुलना उलना है। तो घर पूरा धुला रहा है, घर से लेके बाहर तक और पूरा जितना है सारा गेट वोट सारा धुला जाएगा। ऐसे मेरा सारा काम हो जाएगा आज। यहाँ पे बर्तन तन जितना है सारा धुलेंगे। और जब मैं अपना सारा गुड्डा गुड्डी धुल रही थी तो मेरा बाबू भी है, वो भी साथ साथ मेरे साथ साथ वो भी गुड्डा गुड्डी बाहर गया था, खेल उल कर आ गया। और यहाँ पे गुड्डा गुड्डी लगा धुलने, मार मार कर कैसे साफ होगा कैसे नहीं, देखिए कैसे धुल रहा है आगे पीछे सारा धुल रहा अच्छे से। और इधर मेरी बेटी है तो मेरे दोनों साथ काम ज़्यादा हाथ ज़्यादा बटा रहे हैं सब, काम कम हाथ ज़्यादा बटा रहे हैं सब। और यहाँ पे हम नहा धुल लिए हैं और जितना सारा कपड़ा छत पे आ गए हैं डालने के लिए। और यहाँ पे मेरे दोनों बच्चे खेल रहे हैं और मैं सारा कपड़ा पड़ा डाल ली हूँ। और नहाने बाद नीचे आ गई, सुबह का जितना सारा कपड़ा है ये सुबह में ही धुल चुके थे, बेडशीट उडशीट सारा सुबह में ही धुल उल के रख दिए थे। और ये है तो मतलब शाम के पहर सारा गुड्डा उड्डा धुले हैं। घर मतलब 2-3 बजे से घर का सर सफाई करना स्टार्ट किए हैं हम। सुबह हम नहा चुके थे फिर भी दोबारा नहाए हम। और यहाँ मेरा रात का खाना बनने जा रहा है तो बना रहे हैं आलू सोयाबीन का सब्जी और रोटी बनाएंगे। यहाँ पे चले आए हैं किचन में हम और सब्जी को कुकर में बनाएंगे आलू सोयाबीन का सब्जी। और इसमें डालना है पैकेट का मसाला, वो भी कौन सा पनीर मसाला डालें, इससे सब्जी बहुत टेस्टी होता है। और यहाँ पे मेरा रोटी सारा तैयार हो गया है। तो गाइज आप लोग ऐसे मेरा वीडियो देख रहे हैं, अपना प्यार मोहब्बत गुलार बनाए रखिए और हमें सपोर्ट भी करिए। आप लोगों की सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। तो ऐसे सावन के महीने में सबको हर साफ सफाई घर का रखना चाहिए, इसलिए कि सावन में एक महीने का त्यौहार पड़ता है तो उसमें घर सर सफाई तो रहना ही चाहिए। तो यहाँ पे मेरा खाना निकलना है, खाना निकालना है। खाना वाना मेरा बन चुका है, हम लोग सारे लोग खा रहे हैं। देखिए रोटी सब्जी मेरी बेटी का रोटी और मेरा बेटा देखिए कितना बदमाशी कर रहा है। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए गाइस रोटी और सब्जी रात के समय में, रोटी सब्जी। तो मिलते हैं आप लोगों से कुछ देर बाद। हाय गाइस, तो हम लोगों का सोने का टाइम हो गया, खाना ना खा चुके हैं तो टाइम भी होने जा रहा है 10:40 हो रहा है और हम लोग चल रहे हैं अब सोने। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिएगा। और देखिए मेरे सारे बच्चे भी जग रहे हैं, कोई भी अभी सोया नहीं है सारे बच्चे भी। तो हम लोग चल रहे हैं सोने, कल मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक बाय बाय, गुड नाइट।